जैसा कि आप जानते हो कि कूलम्स लॉ इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं मैं सब आपको बताऊँगा। एक बार मैं एक दो क्वेश्चन जेई लेवल के, दो तीन क्वेश्चन नीट लेवल के कराऊंगा, पर मैं बताऊंगा नहीं कि वो नीट का है, और देखना अपने आप सॉल्व कर लोगे। कोई भी ऐसा लेवल नहीं होता अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो हमारे पास। तो पहले कूलम्स लॉ को समझते हैं। सो कूलम्स लॉ को समझना कैसे, बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर एक, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका हूँ, थोड़ा फास्ट रहता हूँ मैं फास्ट। कूलम्स लॉ ने बोला बेसिकली अगर दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1 Q2, उनके बीच में डिस्टेंस r है, और वो रखे हुए वैक्यूम के अंदर। क्या रखे हुए? वैक्यूम। देखो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब जहाँ पर पार्टिकल्स ना हो, बिल्कुल खाली है, जैसे अर्थ के बाहर क्या है? वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए Q1 Q2, डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ होगा, फोर्स, या फोर्स होगा अट्रैक्शन या रिपल्शन। फोर्स में जो भी चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट आप खुद से लिखना। कूलम्स लॉ कहता है कि जो भी फोर्स है, फोर्स उसकी जो वैल्यू होगी, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा? मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ, आप कुछ मत करो, इनके बीच का फोर्स निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और कहा उसने, जो फोर्स है, फोर्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ मत करो, जो भी डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो। अब दोनों को कंबाइन करने से क्या मिलता है? देखो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन, तो कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा? जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा हमें के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ये के कहाँ से आया? जब इस साइन को हटाएंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स नाम के एक साइंटिस्ट है, वो बोलते हैं अगर दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल, एक की वैल्यू Q1, दूसरे की वैल्यू Q2, उनके बीच में डिस्टेंस अगर r है, डिस्टेंस क्या है? r, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये सब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। सो अभी तक हम पीछे ये सब जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? देखो याद करवा रहा हूँ मैं दोबारा, अभी मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जेई नीट लेवल के, तुम्हें पता नहीं चलेगा। हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। K क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट, 9×10⁻¹। अच्छा आप थोड़ा सा और डिटेल की बात करते हैं, डिटेल। ये जो K है ना, K, इसकी डिटेल स्टडी सुन लो एक बार, डिटेल्ड स्टडी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड स्टडी सुन लो इसकी एक बार सुनी लो बस। देखो जो ये है ना K, उसकी खास बात क्या है? ये जो K है ना K, इसका एक फॉर्मूला है, ऐसा लिख सकते हो आप इसको, 4π ε₀। जहाँ पर ये ε₀ होता है ना, ε₀, ये पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी। अभी समझ में आएगा क्या होता है, रुक जाओ, वेट करो। परमिटिविटी ऑफ ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। एक्चुअली में ये के है ना के, जब हम 4 की वैल्यू डालेंगे, पी की वैल्यू डालेंगे, और इसको बोलते हैं ε₀। क्या बोलते हैं? ε₀। देखो आपको सी बनाना है, सी सी में ऐसे करना है और एक नॉट लगाना है, ये क्या लगा? ε₀। अच्छा इसका नाम क्या, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम है इसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मेरी बात को समझना, इसकी वैल्यू मुझे पता है 4, इसकी वैल्यू मुझे पता है पाई 22/7, इसकी वैल्यू भी होती है 8.85×10⁻¹। और जब आप पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो के की वैल्यू जो निकलेगी, इसको इसको और इसको सॉल्व करोगे, तब इतनी निकलती है। अब आप बोलोगे सर इसका के का मतलब क्या है? के का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और ये क्या है बता रहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बस इतना लिख लो, अब मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसका फील क्या है, अभी मैं समझाऊंगा, बस इसको लिख लो। अभी समझाने का काम मेरा है, गारंटी मेरी। वो जो ε₀ था वो क्या था, आपको अब समझ में आएगा हल्का सा, देख लो, समझना। मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो अभी हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की, किसकी बात कर रहे हैं? वैक्यूम की। तो फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। खोल के लिखो तो क्या बन जाएगा? ये 1/4π ε₀ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वैक्यूम की बात चल रही है। अब मेरी बात को समझना कि मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर ले लूँ पानी, क्या ले लूँ? पानी। पहले दो चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखा हुआ है वैक्यूम के अंदर, किसके अंदर? वैक्यूम। अब मैंने दो चार्ज पार्टिकल लिया, देखो जैसे ये वाला चार्ज पार्टिकल है Q1, क्या ये Q1 Q2, डिस्टेंस r है, पर रखा किसके अंदर है? वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम मतलब अर्थ के बाहर।
अब मैं पानी में ले आया, कहाँ ले आया, पानी के अंदर, पानी के अंदर ले आया। अब पानी के अंदर ले आया, डिस्टेंस आ रही है, तो आप फोर्स कैसे लिखोगे? फोर्स लिखोगे 1/4π, यहाँ पर लिखोगे एप्सिलॉन एम। क्या लिखा करोगे? एप्सिलॉन एम q1 q2/r2। आप बोलोगे सर ये क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब समझना, देखो जब वैक्यूम में था ना, वैक्यूम में तब यहाँ पर हमें लिखना होता है नॉट, लेकिन अगर कोई मीडियम ले आया, मैं कोई मीडियम है क्या ये मीडियम, तो मैं लिखना पड़ेगा भाई कि जो फोर्स है ना, फोर्स ये मीडियम के अंदर का है फोर्स, यानी कि ये जो कांस्टेंट है बताएगा कि चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है आपने। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है तो समझ जाओ वैक्यूम में रखा हुआ है, अगर ऐसा रखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है एप्सिलॉन एम, समझ जाओ किसी मीडियम में रखा हुआ है, चाहे वो पानी हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो बेसिकली ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट, ये बेसिकली मीडियम रिप्रेजेंट करने वाला है, या आपने रखा कहाँ पर है वो रिप्रेजेंट करने वाला है कि जो फोर्स कैलकुलेट किया है कहाँ पर, ये जो कांस्टेंट है वो मीडियम डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू अलग आएगी, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू अलग आएगी, अभी और आपको फील आएगा, बस नोट कर लो, कंपैरिजन कर लो कि ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, वैक्यूम, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई मीडियम है, ठीक है ना। और फील आएगी आपको थोड़ी समय के साथ, मतलब तुम इस बात को समझ गए कि क्या चल रहा है। अब मेरे को ये समझ में आया, सुनो मेरी बात, अब मेरी बात को समझना। देखो एक चीज़ है एप्सिलॉन नॉट, एक चीज़ है एप्सिलॉन एम, इसका नाम है भाई परमिटिविटी, लिख रहा हूँ मैं परमिटिविटी, इसका नाम बता रहा हूँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये बता रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ, स्पेलिंग छोड़ो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी आपको क्या क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि ये जो चीज़ें हैं वो बताएगी कि आपने चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखा हुआ है, फोर्स किसके अंदर निकाल रहे हो, फ्री स्पेस में कि वैक्यूम के अंदर या फिर मीडियम के अंदर। अच्छा मेरी बात को समझना, मैं आपसे बहुत बेसिक बेसिक बात करता हूँ, देखो छोटी छोटी बातें करता हूँ। देखो q1 q2, आप समझना मेरी बात को, मैंने कहा डिस्टेंस है इनके बीच में r, तो आपने बोला फोर्स इज इक्वल टू 1/4π εo q1 q2/r2। मैंने कहा अब यहाँ पर आ गया वाटर, क्या आ गया वाटर, मैंने कहा ये चार्ज पार्टिकल है, डिस्टेंस भी सेम है सब कुछ, अब बताओ फोर्स, तो आपने लिखा 1/4π εm q1 q2/r2। अब मैं आपसे बोलता हूँ ये है फोर्स वैक्यूम का और ये फोर्स है वाटर के अंदर का, अब मैं तुमसे बोलूँ कौन सा फोर्स ज़्यादा है, किन कहाँ पर फोर्स ज़्यादा फील होगा, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा फील होगा कि यहाँ फोर्स ज़्यादा फील होगा, तो इसको बड़ा आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। समझने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान देना, देखो आप ये समझना कि देखो फोर्स लगता कैसे है। आप याद करो जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को फोर्स लगाता है तो कैसे लगाता है, अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के। वैसे जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, क्या निकालता है, ठीक है। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को बिना छुए फोर्स कैसे लगाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। तो एक बात को समझना कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला तो दोनों के दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे फोर्स लगाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ से दो निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही पहुँच पाएगा, बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पर है पानी, क्या है पानी, जो पानी के मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स है कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा एब्जॉर्ब, जिसके वजह से जो फोर्स लगाने वाला बंदा है, फोर्स लगाने वाला बंदा कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक है तो फोर्स कम, और यहाँ पर फोर्स लगाने वाला बंदा क्या है दो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दो है तो फोर्स क्या होगा यहाँ पर ज़्यादा। तो एक्चुअली में ये जो चीज़ है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये बताएगा कि भाई कहाँ पर हम काम कर रहे हैं और फोर्स ज़्यादा होगा कि कम होगा, क्या बात समझ पा रहे हो। तो इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, जो मैंने समझाया उसको अपने नोट्स में लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि मीडियम में जो वाटर के अंदर फोर्स कम होगा, क्यों, पानी जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोर्स लग नहीं पाएगा ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, अगर वाटर के अंदर फोर्स अगर कम है, फोर्स क्या है कम, तो इसका परमिटिविटी क्या होगा ज़्यादा, यानी ये हमें समझ में आ गया, जिस चीज़ की परमिटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ फोर्स कम होता है। तो सीखने वाली बात क्या है कि देखो भाई अगर परमिटिविटी ज़्यादा है, परमिटिविटी क्या है ज़्यादा, परमिटिविटी ज़्यादा, ठीक है ना, परमिटिविटी अगर ज़्यादा हुआ तो उसमें फोर्स क्या होगा, फोर्स कम होगा। रीज़न क्या है, परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी।
परमिटिविटी। तो एक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि भाई जो हमारा फोर्स है कूलम्स लॉ में जो फोर्स है उसमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम डिपेंडेंट है। बात समझ में आ गया? तो दोबारा, फोर्स किन किन बात पर डिपेंड करता है? फोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि भाई आपने रखा कहाँ पर है, परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। वैक्यूम की परमिटिविटी अलग होगी, मीडियम की परमिटिविटी अलग होगी। मीडियम की परमिटिविटी हमेशा ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि मीडियम में फोर्स क्या होता है? कम। देखो, मीडियम में फोर्स कम होता है मतलब परमिटिविटी क्या होगा? ज़्यादा। यानी एक चीज़ मैंने याद कर लिया कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमेशा कम होगा एप्सिलॉन एम से, क्योंकि भाई देखो फोर्स कम होता है ना इसके अंदर, मतलब इसका परमिटिविटी क्या होगा? ज़्यादा। तो परमिटिविटी ज़्यादा तो फोर्स क्या होगा? कम। ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से नोट्स बनाओ। अब न्यूमेरिकल पर्पस से अगर हम टॉपिक को आगे बढ़ाए तो मुझे लॉजिकली समझ में आ गया। कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास एयर है, क्या है? एयर, और एक जगह पर है वाटर, तो बताओ किसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी? जिसमें फोर्स कम होगा। देखो मैंने अभी बताया था, जिसमें फोर्स कम होगा उसकी परमिटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। तो मैं पता है कि वाटर के अंदर फोर्स क्या होगा? कम। और एयर में फोर्स क्या होगा? एयर या फिर वैक्यूम में फोर्स क्या होता है? हमेशा ज़्यादा। फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे इसका जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी वो कम होगा मीडियम या वाटर के कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। यहाँ वाटर लिख देता हूँ मैं, ठीक है? तो ये छोटी सी बात थी लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब मेरे काम की बात समझना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि भाई तुमने बोला, ठीक है मैं दो केस लेता हूँ, तुमने बोला अगर कहीं पर वैक्यूम है, क्या है? वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 q1 q2 डिस्टेंस का स्क्वायर, मान गया मैं। अच्छा मीडियम के अंदर बताओ फोर्स, तो मैं बोलूँगा k q1। अच्छा k को ऐसे खोल के लिखते हैं ना, मीडियम के अंदर मान लो वाटर है या कोई भी है मीडियम, तो आप बोलोगे 1/4πε m q1 q2 r2। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने दो इक्वेशन बनाया, इसको बोला करूँगा फोर्स इन वैक्यूम, क्या बोला करूँगा? फोर्स इन, इसको बोला करूँगा फोर्स इन मीडियम। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जादू होगा, जादू देखो डिवाइड कर लेते फटाफट। चलो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करते तो क्या आएगा? अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, देखो इस वाले को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर रहेगा एफ एम, नीचे क्या रहेगा? एफ वी। तो देखो इसके नीचे इसको लेके आना है, तो क्या देखो, तो लेके आ जाते हैं देखो 1/4πε m q1 q2 r2, 1/4πε0 q1 q2 r2। देखो ये सारा कट गया, क्या क्या बचा देखो, समझना। देखो ये बचा एफ एम बाई एफ वी इज इक्वल टू ε0/εm। बात समझ पा रहे हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम उल्टा करके कि फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू εm/εo, ऐसा भी लिख सकते हैं। और आपको याद दोनों में से कोई भी कर लो, ट्रिक क्या रहेगा याद करने का? देखो अगर m यहाँ है तो m नीचे होगा, क्योंकि मैंने पीछे बताया था ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर v यहाँ है तो नॉट यहाँ पर होगा, बात समझ में आ गया? तो ये उल्टे होंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, इसे नोट कर लो फटाफट। अब ध्यान से सुनो, इनके नाम अगर तुमने याद कर लिया तो बहुत सारे डेफिनेशन याद कर लोगे। देखो इसको बोलते हैं फोर्स इन वैक्यूम, इसको बोलते हैं फोर्स इन मीडियम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आपके चार्ज पार्टिकल कहाँ रखे हुए है ना, ये ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है ना? अब मेरी बात को समझना। अब देखो छोटी छोटी बातें हैं इनके। अब इसके सामने मैं लिख रहा हूँ के, क्या लिख रहा हूँ? के, या इसको लिख रहा हूँ मैं ER, क्या लिख रहा हूँ? ER। इनका नाम क्या होता है? इन दोनों का सेम, के लिख दो इसको ऐसे, ऐसे वाला के थोड़ा टेढ़ा मेरा के, या ER, इसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अभी समझाऊंगा मैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या इसका एक और नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। अब मेरी बात को समझना, अब मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब आपका टॉपिक है याद करने वाला। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो दो आंसर होंगे आपके पास। पहला क्या आप बोल सकते हो? इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, है ना? और या इट इज़ द रेशियो ऑफ
परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना? या समझ पा रहे बात को? या आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोले या डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोले, सेम आंसर। अब देखो हमने इतनी सी बात याद करी है तो हम डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन आपका बन गया, ठीक है? तो फटाफट इसे लिख लो। अब रट्टा मारने वाली बात कौन सी है न्यूमेरिकल्स के लिए? रट्टा मारने वाली भाई एक ही बात है, फोर्स इन वैक्यूम भाई, फोर्स इन मीडियम, जो निकाला था वो के था, के या फिर ER, है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूँ फोर्स इन मीडियम क्या होगा, तो आप बोलोगे जो भी वैक्यूम में फोर्स था उसको के से डिवाइड कर दो। अरे समझे नहीं, के को इधर ले आया। के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो इस वाले रिलेशन को याद रखना, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है? जैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई दो चार्ज पार्टिकल जब वैक्यूम में थे, किस में थे? वैक्यूम में, तो फोर्स था मान लो 80 न्यूटन, कितना था? अगर इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा वाटर के अंदर, किसके अंदर? वाटर के अंदर, और बोलेंगे वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मान लो 70, मैंने ऐसे बोल दिया 70, ठीक है? तो फोर्स कितना होगा पानी के अंदर? तो आप बोलोगे देखो भाई मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है ना, वो वैक्यूम वाले फोर्स में के का डिवीज़न कर दो। तो वैक्यूम में कितना फोर्स है? 80 ना? अरे जब कुछ भी नहीं था तो 80 फोर्स है, तो ऊपर लिख दो 80, और नीचे क्या लिख दोगे? जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 70 लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सो है वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है? इफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 12 न्यूटन, कह रहा वैक्यूम में फोर्स है 12, तो पानी के अंदर ले गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, तो कितना फोर्स होगा? तो हमने पढ़ा था फोर्स इन वैक्यूम भाई फोर्स इन मीडियम के बराबर होता है, पता आप लोगों को? तो भाई आपको फोर्स इन मीडियम निकालना है, तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा बताओ? वैक्यूम वाले को के से डिवाइड कर दो, फोर्स इन वैक्यूम बाई के, तो ऊपर है 12 नीचे है 80, आ जाएगा आंसर, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है इफ फोर्स इन वैक्यूम, जब दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं तो फोर्स इन वैक्यूम है 10 न्यूटन, अब कह रहे किसी मीडियम में ले गए तो जो फोर्स हो गया 5 न्यूटन। तो क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या हो गया? एप्सिलॉन एम निकालना है, क्या निकालना है? और दूसरा कह रहा है ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? के, क्या मतलब है? के, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है? ER, मतलब ये दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों क्या है? सेम चीज़। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा? पहले कौन सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा? पहले डाइलेक्ट्रिक वाला सॉल्व हो जाएगा। कैसे? हमें रूल क्या पता है कि फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम या तो मुझे के देगा, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या मुझे देगा रिलेटिव परमिटिविटी ER, रिलेटिव परमिटिविटी ER। तो मैं बोलूँगा फोर्स इन वैक्यूम था 10, फोर्स इन मीडियम कितना है 5, तो के मतलब डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितना आ गया? ये कितना आ गया बताओ? 2, कितना आ गया? 2। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? देखो मतलब मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फाइंड करना है और रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है, ये वाला मेरा काम हो गया। अब पूछ रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या पूछ रहा है? परमिटिविटी। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा? मेरे पास एक इक्वेशन था फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मुझे ये दिया है? हाँ। क्या मुझे ये दिया है? हाँ। क्या इसकी वैल्यू मुझे पता होती है? 8.85 × 10^-12 पीछे बताया था मैंने। तो देखो ये निकल गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी निकल गया, सब कुछ पता है मुझे, ये निकाला था निकल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ फ्रॉम JEE, ठीक है? नीट में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो यू कैन नोट इट डाउन, फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। हाँ, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मेरी राइटिंग गंदी है, अगर मैं राइटिंग के चक्कर में रहूँगा तो बहुत कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे स्लो स्लो लिखना पड़ेगा अच्छे अच्छे से। देखो ये सारा गेम लैंग्वेज का है, जिस बच्चे को नहीं पता परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब EM होता है वो नहीं कर पाएगा, और जिसको नहीं पता डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एक ही बात है, है ना? ये दोनों एक ही बात है। तो पहले मैंने ये वाला इजी वाला किया, फिर मैंने कहा चलो इस वाले फॉर्मूले से ये भी निकल जाएगा। देखो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो भाई मैं क्या बोलूँ, 12th के बच्चे हो इतना तो आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए, और भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन कूलम्स लॉ पे कैसे कैसे आ सकते हैं, मैं बस एक दो तीन करवाता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना घर पे। पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, बोलेंगे कि भाई इनके बीच में डिस्टेंस है R, ठीक है? अब बोलेंगे भाई फोर्स जो है ना, फोर्स वो है इनके 10 न्यूटन और डिस्टेंस है 1 मीटर, डिस्टेंस है 1 मीटर, और बोलेंगे देखो भाई Q1 इक्वल टू Q2, तो फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज,
ऐसा क्वेश्चन आ गया फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, देखो कि साफ दिख रहा है ये क्वेश्चन कूलम्स लॉ का है। किसका है? कूलम्स लॉ का। तो सबसे पहले बंदा क्या सोचेगा, मैं फॉर्मूले को लिख के देखता हूँ। तो सॉल्यूशन में वो क्या सोचेगा, सॉल्यूशन में सोचेगा भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब उसने फोर्स दे रखा है और चार्ज की वैल्यू पूछा है, फोर से दस, दस को पुट कर दो, के की वैल्यू तुम्हें पता है, अरे के बताया था ना पीछे। अब उसने बोला क्यू वन क्यू टू इक्वल है, क्यू वन क्यू टू इक्वल, मैंने क्यू मान लिया था कि ये क्यू का स्क्वायर हो जाए, क्यू का स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर हो गया और नीचे डिस्टेंस कितना दिया है वन, तो वन का स्क्वायर वन खत्म हो गया। तो आंसर क्या आया, देखो यहाँ से निकल के आया कि टेन इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन की पावर नाइन क्यू स्क्वायर। क्या यहाँ से निकल जाएगा ये, अरे नीचे लेके रूट लगा देना, तो नीचे लेके रूट लगा देना चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। और कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं करवाता हूँ, नोट करो फटाफट। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई ऐसे ऐसे बेसिक वे के क्वेश्चन, बोलेंगे टू कूलम है, सेवन कूलम है, अब बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है, रिपल्शन वो 12 न्यूटन है, दोनों प्लस प्लस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है 12 न्यूटन है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का आप डिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ। तो हम कैसे करेंगे डिस्टेंस फाइंड, समझना इस चीज़ को। आप बोलोगे देखो भाई कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या होगा, मेरे को बस फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा हमारा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखते ही सबसे पहला क्वेश्चन मन में क्या आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मन में आएगा कि भाई देखो फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं सोचूंगा चलो भाई सॉल्यूशन करते वक्त मैं क्या करूंगा, पहले सोचना है ना भाई कि निकालना क्या है, निकालना है आपको डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपने आर को कर लिया टारगेट कि भाई ये तो निकालना है मुझे। अब ये निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ये निकालने के लिए आपको फोर्स चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ भाई गिवन है 12। के चाहिए, के की वैल्यू तो मुझे याद है, के इज अ कांस्टेंट, 9 इंटू टेन की पावर 9 है ना, 9 इंटू टेन की पावर 9। अब मुझे क्यू वन क्यू टू चाहिए, तो उसने बोला है 2 और 7, यानी काम हो जाएगा। तो फोर्स पुट करो, फोर्स कितना है, फोर्स है 12, के की वैल्यू पुट करो 9 इंटू टेन की पावर 9, चार्ज की वैल्यू पुट करो 7 इंटू टू 14, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर इधर करना हो जाएगा, रूट लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं उनको बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन या मिसिंग वाले क्वेश्चन। इसको मैं रखता हूँ टाइप वन में, किस में रखता हूँ, टाइप वन। टाइप वन वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक फॉर्मूले में से ना सब कुछ दिया होगा, एक चीज़ गायब होगा, वही आपको आइडेंटिफाई करना है। कभी चार्ज गायब कर देंगे, कभी डिस्टेंस गायब कर देंगे, कभी फोर्स गायब कर देंगे, पर सब कुछ दिया होगा। अब अगला जो टाइप होता है ना इसमें न्यूमेरिकल्स का, वो टाइप होता है बेटा टाइप टू। टाइप टू को हम बोलता होता है क्या, इसे बोलते हैं इफ़, ठीक है ना, यदि या सिचुएशन वाले क्वेश्चन। क्या होता है ये, सिचुएशन वाले क्वेश्चन। अभी सिचुएशन वाले क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है, ट्रिक देखो, ये ट्रिक समझना, ट्रिक बहुत ही सिंपल होता है। देखो मैं काफ़ी फास्ट हूँ, मैं ये बहुत बार करवा चुका हूँ तुम लोगों को। कभी क्वेश्चन में दिखाई दे इफ लिखा है, यदि लिखा है, सिचुएशन कुछ दिखाई दे बदलता हुआ, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, आप बनाओगे केस वन, फिर बनाओगे केस टू, दोनों को डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारी जेब में। अच्छा ये एक दो क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आएगा। देखो सिचुएशन मतलब क्या है, सिचुएशन बदलेगा, क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन बदलेगा, समझाता हूँ मैं। एक हम कंपटीशन का क्वेश्चन लेते हैं नीट का, फिर बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन को पहचानने की विधि क्या है, तरीका क्या है, क्वेश्चन में इफ़ लिखा हो, यदि लिखा हो, या सिचुएशन बदल रहा हो, सिचुएशन बदलेगा, एक ही तरीका है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो केस वन बनाओ, केस टू बनाओ, डिवाइड करो, आंसर जेब में, ठीक है। केस वन केस टू बनाओ, आंसर जेब में। भाई देखो क्वेश्चन इज़ वेरी मच सिंपल, कह रहा है ये सिचुएशन है, सिचुएशन जो भी सिचुएशन हो हमें नहीं पता ये क्या है, डिस्टेंस हम खुद से मान लेते हैं एक्स या आर जो मन करे। क्वेश्चन कहता है इफ़ माइनस टू कूलम इज एडेड टू बोथ, व्हाट विल बी न्यू फोर्स और हाउ द फोर्स विल चेंज, नया फोर्स क्या होगा या फोर्स कैसे बदलेगा। तो मैं क्या सोचूंगा, देखो भाई इसमें लिख गया इफ़, जैसे मुझे इफ दिखाई देगा और सिचुएशन चेंज होता हुआ दिखाई देगा। सिचुएशन कैसे बदल रहा है कि भाई जो इन दोनों में कुछ हम ऐड कर रहे हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो गया। अगर सिचुएशन डिफरेंट हो गया, तरीका क्या है कि पहले तुम केस वन बनाओगे, केस वन बोलोगे, देखो भाई केस वन मतलब इनिशियली जब कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो फोर्स क्या था, फोर्स था के इंटू टू इंटू सेवन बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, खेल खत्म। फिर मैंने क्या बोला, अब केस टू बनाओ। अब केस टू क्या है, केस टू क्या है, केस टू में क्या हुआ है, पहले केस में तो सिंपल था ये, केस टू में ये हुआ है कि आपने माइनस टू कूलम को इसमें और इसमें ऐड किया है,
तो सोचो अगर माइनस टू इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ, माइनस टू प्लस टू जीरो हो गया, और दूसरा वहाँ पर कितना हो गया बताओ, माइनस टू और वहाँ पर कितना है सेवन, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा फाइव। अब नया फोर्स निकालो, ये हो गया एफ न्यू, क्या हो गया ये एफ न्यू, के इंटू जीरो इंटू सेवन इक्वल टू जीरो, तो नया फोर्स जीरो हो गया, आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गया? अगर जीवन में, सुन लो, अगर जीवन में कभी भी सिचुएशन बदलते दिखाई दे तो आप कुछ नहीं करोगे, पहले इनिशियल केस लिखोगे फिर फाइनल केस लिखोगे, आंसर तुम्हारी जेब में अपने आप आएगा, गिरता हुआ आएगा। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं नीट का, फटाफट नोट करो इसे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू। क्वेश्चन कहता है यदि, देखो पहले तो यहीं से पकड़ लो, इफ लिखा है, क्या लिखा है, इफ इफ 20% ऑफ चार्ज फ्रॉम 25% ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू ए फ्रॉम ए इज ट्रांसफर टू बी, हमने यहाँ से 25% निकाला और बी को ट्रांसफर कर दिया, तो हाउ द फोर्स विल चेंज। तो दोबारा खेल समझ में आ रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है, अरे सिचुएशन बदल रहा है ना, या इफ लिखा हुआ है, केस बदल रहा है कि पहले हम चार्ज, मतलब केसेस है, केस वन केस टू। तो केस वन कैसा समझना, केस वन क्या है, केस वन सिंपल है, सिंपल इसको मानेंगे हम केस वन, जो इनिशियल होता है, इनिशियल को मानते हैं हम केस वन। तो क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो गया आर का स्क्वायर। अब ये माइनस साइन यूज़ नहीं करते, ठीक है ना, माइनस बता रहा है कि उसका नेचर नेगेटिव है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना होता है। अब ये पहला केस हो गया जिसको हम बोल रहे हैं पुराना फोर्स, क्या ये पुराना फोर्स। अब इन केस टू क्या बन रहा है, केस टू बताओ, केस टू में क्या हो रहा है, इसके अंदर से कितना परसेंट निकल गया, 25%, 25% का मतलब है 1/4, तो ये कितना बचेगा बताओ, इस क्यू में से ना इतना माइनस हो गया, 1/4 माइनस हो गया, और ये जो माइनस क्यू है उसमें क्यू बाई फोर ऐड हो गया, देखो इसमें से निकलेगा और वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस हुआ और माइनस क्यू में क्या हो गया ऐड, वही तो किया मैंने। अब दोबारा सिचुएशन समझना, सिचुएशन अब दोबारा फोर्स निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम नया फोर्स, क्या बोलेंगे इसको, नया फोर्स। तो मैंने लिख दिया नया फोर्स, क्या लिख दिया, नया फोर्स के चार्ज कितना बचा यहाँ पर, 3q/4, देखो माइनस करोगे 3q/4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3q/4 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आपका नया फोर्स है, क्या है आपका नया फोर्स। आप चाहो तो इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो, देखो नए वाले को पुराने से डिवाइड करो, याद मैंने बोला था डिवाइड करने के लिए, केस वन निकालो केस टू निकालो दोनों को डिवाइड करो। चलो मैं डिवाइड करता हूँ, एफ न्यू बाई एफ ओल्ड, डिवाइड करो दोनों को, चलो इस वाले से इसको डिवाइड करो, कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा, बहुत कुछ कट जाएगा, देखो के क्यू क्यू सब कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, देखो के 3q बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओल्ड वाला, क्या ओल्ड वाला के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये गया ये सब गया, के क्यू क्यू गए 9, तो एफ न्यू जो आ गया बाई एफ ओल्ड जो आ गया वो आ गया 3 3 9, कितना आ गया 3 3, अच्छा 4 भी है ना 3/4, तो ये हो जाएगा 9/16, समझ में आया। तो आंसर क्या आया, जो नया फोर्स है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो नया फोर्स है 9/16 टाइम्स है पुराने फोर्स के। देखो आंसर वैसे हमारा यही निकल चुका है, आंसर हमारा वही निकल चुका है, हमने बस लिखने का तरीका सोचा है कि दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो समझ में आएगा कि नया फोर्स जो है पुराने वाले के 9/16 टाइम्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना स्पीड आप समझ पा रहे होंगे, बट अगर नहीं समझ पा रहे तो मुझे बता दो, मैं स्लो हो जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या बेटा पहचानने का तरीका क्या था, देखो बहुत सिंपल है, 25% का मतलब, देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि 25% यहाँ से निकाला, 25% का मतलब कितना हो गया q/4, तो इस वाले में से माइनस किया और इस वाले में जाके ऐड कर दिया, तो नया सिचुएशन क्या बन गया, नया सिचुएशन बन गया 3q/4, तो फोर्स निकाला, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो। सो बेटा ये म्यूट कर लो बेटा, जिसका भी ऑनलाइन में माइक खुला हुआ है, सुनिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, सुनो अब हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बाकी कूलम्स लॉ पे और भी न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, बहुत ही सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन अभी एक लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये 10 मिनट का टॉपिक है, कर लेते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, मुझे नहीं पता लोग कैसे पढ़ाते हैं, पर मैं ईजी बताता हूँ, ईजी देखो ईजी क्या है समझना, हमने कहा कि हम पहले फिक्स कर लेते हैं
किस तरफ हम मान रहे हैं एक्स डायरेक्शन, इस तरफ वाई डायरेक्शन, इस तरफ होगा आई कैप, इस तरफ होगा जे कैप। ये डायरेक्शन है, पता ना आप लोगों को, आई कैप इज डायरेक्शन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज डायरेक्शन टूवर्ड्स वाई एक्सिस। ये डायरेक्शन हमने माना है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू वन, यहाँ चार्ज पार्टिकल है क्यू टू और उसके बीच में डिस्टेंस है आर। तो मुझे कुछ बातों को लिखना है। क्या क्या बातों को लिखना है मुझे, पहले लिखना है, पहले देखो एक लाइन लिखना है एफ वन टू। क्या लिखना है? एफ वन टू, इसका मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब याद कैसे रखोगे? देखो अगर किसी बंदे को लात मारना है किसी को, तो पीछे से लात मारेगा। किसी कहाँ से मारेगा? पीछे से। तो जो बंदा पीछे होता है ना वो लगाता है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन वन, वन पर लग रहा है दो के वजह से, लगाने वाला बंदा कौन है? दो। अब मुझे बताओ अगर मैं निकालना चाहूँ फोर्स, तो मैं कैसे निकालूंगा फोर्स? तो मैं बोलूँगा के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन ये वैक्टर फॉर्म नहीं है, वैक्टर फॉर्म के अंदर डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा दो लगा रहा है ना, दो किस पे लगा रहा है? दो वन पे। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूँ, इसको पॉजिटिव मानूँ, तो दूसरा किधर लगाएगा बताओ? दूसरा पहले को इधर फोर्स लगाएगा, रिपल्शन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। लगाने वाला बंदा कौन है? टू, तो वन को इधर रिपेल करेगा। अब ये डायरेक्शन क्या होगी सोचो, अगर इस तरफ आपने आई माना है तो इस तरफ क्या होगा? माइनस आई। तो डायरेक्शन बता दिया मैंने, तो यहाँ भी मैं ऐसे साइन लगा सकता हूँ, तो बन गया वेक्टर फॉर्म। क्या बन गया? वेक्टर फॉर्म। दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बस खत्म खेल। ठीक है, और बता रहा हूँ एक और चीज़ मुझे निकालना है। देखो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो फोर्स ऑन टू, लगाने वाला बंदा कौन है? ड्यू टू वन। अगर ये लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा बताओ? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन किस तरफ होगी बताओ? इस तरफ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, वन इधर लगाएगा ना फोर्स टू पर, डायरेक्शन क्या आ गया? प्लस आई। तो अब बताओ यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब मेरी बात समझना, छोटी छोटी बातें जो यहाँ से याद करने वाली है, कंक्लूजन, ये तो हो गया टॉपिक खत्म। देखो ठीक से देखो, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन और फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू दोनों इक्वल है। देखो दोनों का वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अलग है, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज माइनस फोर्स ऑफ टू ड्यू टू वन, ये भी सही है। यानी ये इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो यह कौन सा लॉ वैलिड है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ध्यान रखना, जो कूलम्स का लॉ है, जो कूलम्स का फोर्स है, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। दूसरी बात यहाँ से याद करने वाली बात क्या है समझना, पहली बात ये याद कर ली हमने, दूसरी बात ये याद करने वाली बात है, अगर तुम फोर्स को देखोगे, फोर्स को, तो फोर्स किस तरफ है? देखो अगर मैं यहाँ बॉडी मानता हूँ तो फोर्स ऐसे लगेगा इस तरफ, अगर यहाँ बॉडी मानता हूँ तो फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। क्या दोनों फोर्स सेंटर से पास हो रहे हैं? सेंटर से, लाइन जो लाइन है, लाइन लाइन ज्वाइनिंग से पास हो रहे हैं। अगर बॉडी को यहाँ बिठा दो तो बॉडी के सेंटर को चीरता हुआ जा रहा है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो पहली, दूसरा पॉइंट क्या है कि सेंट्रल फोर्स होता है ये, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सेंट्रल फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन फॉलोस न्यूटन्स थर्ड लॉ। कोई बोले सेंट्रल फोर्स क्यों? क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग से पास होता है, बॉडी के लाइन ज्वाइनिंग से पास होता है या सेंटर से पास होता है, जो मर्जी बोल लो। वैसे बिकॉज लिख दे रहा हूँ मैं, बिकॉज इट पासेस थ्रू है ना, पासेस थ्रू, या फिर डायरेक्शन लिख लो, डायरेक्शन इज, ठीक है ना, बिकॉज इट एक्ट्स अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग मतलब जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है, बिकॉज इट्स एक्ट्स अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग, सो इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। तो ये कुछ बातें हमने करी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी कर लिया, बहुत बेसिक है। अगर बुक्स में देखोगे, सुन लो, पहले नोट कर लो एक बार, है ना, एक उसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सारे नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे।